Hello, learners, and welcome back to your own channel, LIY English Learn It Yourself. Learners, we all have our goals, dreams, desires, and aspirations. We all want to be successful. But how do we achieve this success? What is the key to success? ये ऐसे सवाल है जिसके जिसके जवाब हम सब जानना चाहते हैं हम सब ढूंढना चाहते हैं जवाब तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे बट सही जवाब तो वही दे सकता है जो खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा हो लर्नर्स आइए सीखते हैं कि सक्सेस क्या होती है और उसे कैसे अचीव किया जाता है बाय अछयूत गोड बोले इन दिस वीडियो अचूद गोड बोले जो खुद अपनी लाइफ के हर पहलू में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं

being better and better version of yourself now let us start learning let us get first familiar with our author achut godbole अछूत गुट बुल्ली एक प्रोलिफिक राइटर रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है इंग्लिश और मराठी में बहुत फेमस राइटर रहे हैं और उन्होंने ना ना सिर्फ अलग अलग जॉनराज पे अपने ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस करे हैं उसी के साथ उन्होंने दूसरे राइटर्स के वर्क को भी अडाप्ट किया है मराठी लैंग्वेज में उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत इनफॉर्मल है आज तक उन्होंने बहुत ज्यादा रिप्यूटेड कंपनी में टॉप पोजिशन पे काम किया है चैप्टर वोजिंग टूवर्ड्स एक्सिलेंस एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है जो की अछुत गोडबोले ने खुद लिखा है इसमें वो अपने बचपन की uh, जर्नी बता रहे हैं कि कैसे वो सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ पटनी कंप्यूटर्स बने कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई ना कि सिर्फ अपने प्रोफेशन में बल्कि लेटर ऑन एज अ राइटर एज वेल इस चैप्टर वो में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सक्सेस के मेन असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है और उसे कैसे अचीव किया जाता है नाउ लेट अस स्टार्ट लर्निंग द चैप्टर लाइन बाय लाइन आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग We were a low middle class family. Our 300 square feet house did not even have basic amenities such as fan, a refrigerator, a geyser, a dining table or a gas stove. Leave alone an air conditioner or a car. It was only when I entered the college that I got a watch and we got a dining table and a gas stove at home. Nevertheless, culturally I had a rich childhood. Poets like Vinda Karandikar, Mangesh Gaukar and Vasant Bapat used to visit our home, and for hours I could listen to the discussions about poetry and literature, Marathi and English. They used to talk about Keshav Sut, Mardekar, Shakespeare, Charles Dickens, and Thomas Hardy. I did not fully understand their discussions in depth, but I was immensely impressed. तो चैप्टर की शुरुआत अछूत गोडबोले अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनका जो बचपन है वो बहुत साधारण एनवायरमेंट में गुजरा वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका जो घर है वो बहुत छोटा था ओनली थ्री हंड्रेड स्क्वायर फीट और उनके घर में बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि फैन रेफ्रिजरेटर गीजर डाइनिंग टेबल गैस स्टोव ये भी नहीं था सो एयर कंडीशनर और कार की बात बहुत दूर है वो कहते हैं कि जब वो कॉलेज में एंटर हुए तब जाके उनके घर में उन्होंने गैस स्टोव डाइनिंग टेबल और अपने लिए वॉच लिया बट इन सब के बावजूद हो सकता है कि फाइनेंशियली वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे बट वो कहते हैं कि उनका बचपन कल्चरली बहुत रिश था क्योंकि उनके घर में वृंदा करंदीकर मंगेश पाटगांवकर एंड वसंत बापत जैसे फेमस पोएट विजिट करते थे और वो घंटों घंटों तक डिस्कशन करते थे अबाउट लिटरेचर मराठी और इंग्लिश के लिटरेचर और पोइट्री पे वो डिस्कशन करते थे वो लोग बात करते थे केशव चार्ल्स मारेक्सपियर एंड थॉमस हार्डी जैसे फेमस राइटर्स है अचुत गोट बोले कहते हैं कि है उनका डिस्कशन उन्हें डिटेल में डेप्थ में समझ में तो नहीं आता बट वो तभी से उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे वी ऑल्सो वर लकी टू हैव पंडित कुमार गंधर्व पंडित भीम सेन जोशी एंड पंडित जसराज Visit our place and talk about Indian music till late night or sometimes dawn. This is, this is how and why I developed my interest in literature and music during my school days. I did not, and even today, don't understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. Most of the times, the topic of discussion at our home were about music, literature, paintings, sculptures, etc. I could listen to the discussions about Van Gogh, Mozart, and Michelangelo, etc. अच्युत गुटबोले कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज जैसे कि पंडित कुमार गंधर्व पंडित भीमसेन जोशी और पंडित जसराज उनके घर पर विजिट करते और कई बार देर रात तक और कभी कभी सुबह तक वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में डिस्कस करते रहते इस वजह से स्कूल डेज से ही अच्छुत गोडबोले को लिटरेचर और म्यूजिक से इंटरेस्ट uh, डेवलप्ड हुआ वो कहते हैं कि उन्हें डिटेल में उनकी सारी बातें समझ में नहीं आती ग्रामर ऑफ म्यूजिक और अब भी उन्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आता है म्यूजिक के बारे में ग्रामर का मतलब हुआ टेक्निकलिटीज तो उनकी ऑफकोर्स वो दिग्गज है बहुत डिटेल में जो बातें करते थे वो सारी बातें राइटर को समझ में नहीं आती थी और अब भी नहीं समझ में आती है पर तब से उन्हें म्यूजिक से और लिटरेचर से प्यार हो गया राइटर कहते हैं कि ज्यादातर उनके घर में डिस्कशन का टॉपिक म्यूजिक लिटरेचर पेंटिंग स्कल्पचर जैसी चीजें हुआ करती वो ज्यादातर इन डिस्कशन को सुनते रहते अबाउट वैन वैन गॉग, मोजार्ड एंड माइकल एंजिलो इन सब की वजह से राइटर कहते हैं कि वो मानते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है वो कल्चरली बहुत रिच था It was because of such a milieu around me that I had a firm belief, which I still hold, that all arts are equally, if not more, important in our lives than science or technology. I had learned from my childhood that money does not mean everything in life. It is necessary, but if at all there is something which enriches our lives and puts meaning to our existence, it is the arts, music, and literature. This is not to say that I did not like science or mathematics. In fact, I loved these subjects. However, I did not study them only for scoring maximum marks in the examinations. I used to study these subjects for its inherent beauty. I found Newton's law of motion beautiful and Pythagorean theorem elegant. I loved solving problems of physics and mathematics of the ninth standard when, in appearance or manner, I was in the seventh. नॉट टू शो ऑफ बट जस्ट बिकॉज आई यूज टू गेट involved इन in solving them मिलियोग का मतलब होता है social environment और social सेटिंग राइटर कहते हैं कि बचपन से उन्हें जिस तरह का सोशल इन्वायरमेंट मिला उस वजह से उनका ये बिलीव था उनका ये मानना था और अब भी वो ये मानते हैं कि आर्ट्स भी जीवन के लिए हमारे जीवन में हमारी सोसाइटी में उतना ही महत्व रखता है जितना कि साइंस और टेक्नोलॉजी उन्होंने बचपन से ये चीज सीखी थी कि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है ये जरूरी है बट ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है या सब कुछ इसी पे निर्भर, निर्भर नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में उनका बचपन से ये मानना था कि जो चीजें हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाती है उसे जीने लायक बनाती है उसमें कुछ अर्थ देती है वो होती है म्यूजिक लिटरेचर एंड आर्ट्स पैसा सिर्फ जरूरी होता है साथ ही वो आगे कंटिन्यू करते हैं कि उनके कहने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था वो कहते हैं कि उन्हें ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद थे वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो किसी भी सब्जेक्ट को उनकी खूबसूरती के लिए और उसके नॉलेज के लिए पसंद करते थे उन्हें साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट भी बहुत पसंद थे उन्हें न्यूटन लॉ बहुत ब्यूटीफुल लगता था पाथोकोरियन थैरम एलिगेंट लगता था उन्हें बचपन से ही फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद था जब वो स्टैंडर्ड में थे जब वो सेवन सॉल्व करते थे और ये सिर्फ के लिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग बचपन से पसंद थी आई यूज टू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज टू इंजॉय फाइंडिंग आउट द मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग दैम द प्रॉब्लम प्रोसेस This attitude of looking beyond marks or examinations and to seek joy in solving any challenging problem helped me to develop problem solving attitude which came handy when I appeared for my IIT entrance because this exam is completely based on your problem solving ability and the ability to think not only logically but quickly and rapidly आई स्कोड हंड्रेड परसेंट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशन दैट आई अपियर फॉर फ्रॉम माई फर्स्ट स्टैंडर्डिल आई आई टी बारिंग ओनली अ फ्यू टाइम्स राइटर कहते हैं कि बचपन से उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत पसंद थी और उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि जो चीज़ें क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं वो उनके करिकुलम का पार्ट है भी या नहीं क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में इंटरेस्ट था वो कहते हैं कि जो मेरा एटीट्यूड है लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स एंड एग्जामिनेशन वो कभी एग्जाम और मार्क्स की परवाह करके नहीं पढ़ते थे वो ये सब चीज के परे सोचते थे और ये जो एटीट्यूड है उनका उन्हें आगे बहुत काम आया वो कहते हैं आईआईटी एंट्रेंस जी एग्जामिनेशन जो कि पूरा के पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे बेस होता है उस टाइम पे उन्हें अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है जो बहुत काम आया वो कहते हैं कि बचपन से लेके एन टाइम तक उन्होंने हंड्रेड परसेंट मार्क्स कमाए मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में सिर्फ कुछ बार छोड़कर आई स्टूड इन द स्टुडी बोर्ड एट दैट टाइम दिस एग्जामिनेशन वॉज फॉर द होल ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग नागपुर एंड आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन ऑल सब्जेक्ट्स पुट टुगेदर टूगेदर डेज यू कुड गेट एन एडमिशन इन टू आई आई टी विदाउट द एंट्रेंस टेस्ट इफ यू हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द यूनिवर्सिटी therefore i did not have to appear for the entrance test to get the admission into iit but nobody in solapur told me about it for i doubt if anybody in solapur even knew about this rule therefore i appeared for the entrance examination and i secured a very good rank in the same i was quite happy getting into iit but my joy was short lived राइटर एस एस सी बोर्ड एग्जाम में सिक्सटींथ रैंक पे आए और यूनिवर्सिटी एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स मिला के वो फर्स्ट फर्स्ट रैंक पे थे और उन दिनों वो कहते हैं कि आईआईटी में एंट्री के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देना जरूरी नहीं होता है फर्स्ट रैंक होल्डर को और उन्होंने यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंक लिया था सो उन्हें एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं थी पर उन्हें उस वक्त इस रूल का नहीं पता था और वो कहते हैं कि उनके आसपास वो सोलापुर में रहते थे किसी ने भी उन्हें इस रूल के बारे में नहीं बताया था और वो अब डाउट करते हैं कि शायद किसी को इस बारे में पता ही नहीं था कि अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हो यूनिवर्सिटी के तो आपको आईआईटी में एंट्रेंस देने के लिए एग्जाम की जरूरत नहीं है सो so, उन्होंने uh, इस एंट्रेंस एग्जाम को भी दिया और इस एग्जाम में भी उन्होंने बहुत अच्छे रैंक लाए और इस चीज को लेके वो बहुत खुश थे कि वो फाइनली आईआईटी में उनको एडमिशन मिल गया था बट ये जो उनकी खुशी थी वो बहुत कम समय के लिए थी एट सोलापुर आई एनी बिल्डिंग विच वॉज मोर देन थ्री स्टोरेड mumbai however was full of skyscrapers at iit most of the students and professors used to converse in english whereas my english was very poor i had my entire education in marathi my spoken english was quite pathetic not only did i have a very weak vocabulary but my pronunciation was also very terrible and my construction of english sentences very awkward to say the least due to all this i was feeling quite lonely and terrified in mumbai in general and iit in particular i had developed an inferiority complex and wanted to run away from iit and even mumbai one day i was sitting at a mess table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me <laughs> थ्री स्टोरी बिल्डिंग से ऊपर कभी कोई ऊंची इमारत नहीं दिखी और मुंबई स्काई स्क्रेपर्स से फुल थी स्काई स्क्रेपर्स मीन स्टॉल बिल्डिंग्स आईआईटी में सारे जो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स है वो आपस में एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते और मेरी इंग्लिश बहुत पुअर थी इन सब की वजह से वो बहुत लोनली और पथेटिक फील कर रहे थे क्योंकि राइटर का जो स्टडीज है वो मराठी वनैक्लर लैंग्वेज से हुआ था तो उन्हें इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी उनकी स्पोकन इंग्लिश बहुत पथेटिक थी उन्हें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं आता था उनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत टेरिबल था इन सब की वजह से वो नर्वस हो गए थे और वो अकेलापन फील करने लगे थे वो हमेशा डरे डरे रहते थे, थे इस वजह से वो किसी तरह से बस आईआईटी को छोड़ देना चाहते थे और मुंबई से भाग जाना चाहते थे उन उनके अंदर इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगा वो बताते हैं कि एक दिन वो हॉस्टल के मेस टेबल पे बैठे अपनी चाय पी रहे थे तब एक सीनियर स्टूडेंट उनके पास आके उनके बगल की चेयर लेके बैठ गया He was a convent educated guy with fairly sophisticated English, at least spoken or colloquial English. He was a bit arrogant and wanted to pull my leg. He tried to engage in some conversation with me and started pointing out errors in just about every sentence or everything that I said. After about five minutes, he walked away after insulting me. I felt extremely humiliated and upset. As it is, I was feeling quite depressed and diffident, and this in incident was the last straw. I was almost broken. I felt out of place there and literally wanted to run away to Solapur that very moment. However, it was only my self esteem which stopped me. Suddenly, a feeling of determination and strength came over me and gripped me. जो सीनियर स्टूडेंट था वो कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ था और उसकी इंग्लिश बहुत यानी बहुत एडवांस और बहुत अच्छी थी एटलीस्ट उसकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी थी और वो थोड़ा सा एरोगेंट यानी कि घमंडी भी लग रहा था और ऐसे देख के लग रहा था कि वो मेरी टांग खींचने के लिए आया है वो बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए आया है वो आकर राइटर से कुछ बात करने लगा कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने लगा इंग्लिश में और जब राइटर इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं तो उसकी हर मिस्टेक को वो जो स्टूडेंट है पॉइंट आउट करता और उसका मजाक बनाता सो so, पांच मिनट तक उनसे बातें करके उनसे उन, उनकी इंसल्ट करके फाइनली वो जो सीनियर स्टूडेंट था वो वहां से चला गया इस इंसिडेंट के बाद राइटर बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड और अपसेट फील करने लगे ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है इंसल्टेड वैसे ही वो इतने दिनों से एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे मुंबई में वो लोनली और टेरिफाइड और डिप्रेस फील कर रहे थे और ये इंसिडेंट वॉज द लास्ट ड्रॉ लास्ट ड्रॉ इज द फ्रेज यहाँ पे कि ये इंसिडेंट उनके लिए एकदम ब्रेकिंग पॉइंट था और इसके बाद वो एकदम अपने आप को ब्रोकन फील करने लगे उन्हें आउट ऑफ प्लेस लगने लगा उन्हें लगा कि वो इस जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे वो इस जगह को बिलोंग नहीं करते हैं करते हैं और वो शायद कभी यहाँ का इस जगह का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और इस मोमेंट पे वो सोच रहे थे कि बस वो किसी तरह से सोलापुर वापस भाग जाए इसी समय

i was not to give up anymore and i was determined to fight back as i climbed the stairs of my hostel room my plan was ready in my mind normally most of us who are educated in vernacular languages such as marathi think in marathi before speaking in english translate it in english and then somehow try to speak out these translated english sentences in an extremely awkward fashion. i had decided that i would do nothing of this sort i wanted to achieve excellence. सो so लर्नर्स यहीं पे हमें सबसे फर्स्ट की मिलती है सक्सेस की हमें इंपॉर्टेंट क्वालिटी पता चलती है राइटर की इज द स्पिरिट ऑफ नेवर गिव अप उस मोमेंट पे जब वो इतने ह्यूमिलिएटेड इतने डिप्रेस थे बहुत कॉमन होता है और बहुत आसान होता है लोगों के लिए गिवअप कर देना और वापस चले जाना बट उस टाइम पे वो भी यही सिचुएशन से गुजर रहे थे ऐसे नहीं है कि सक्सेसफुल लोग uh, का लो टाइम नहीं आता है सच अ सक्सेसफुल पर्सन हमने देखा बट फिर भी इस टाइम पे वो भी बहुत लो डिप्रेस ह्यूमिलेटेड और इंसल्टेड फील कर रहे थे फर्क यहाँ पे होता है कि उन्होंने उनके पास दो रास्ते थे या तो वो वापस चले जाते और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जो कि सक्सेसफुल लोगों का रास्ता होता है कि उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की और अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश की और उन्होंने फाइट करने का डिसीजन लिया फाइट करने का फिजिकली दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से अपनी कमजोरियों से उन्होंने सीखा और उन्होंने समझने की कोशिश की कि वो सोलापुर में पले बढ़े जो कि मुंबई के कंपैरिजन में बहुत छोटी जगह है और सोलापुर से हेल होने के बाद भी अगर वो रैंक होल्डर रहे हैं स्कूल में कॉलेज में और उन्होंने इतने सारे अवार्ड जीते मैथमेटिक्स में तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल डब्बू है या उनके साथ कुछ भी सही नहीं है उनमें कोई भी क्वालिटी नहीं है इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने सोचा कि मैं मुझे क्यों गिव अप करना चाहिए मैं यहाँ से क्यों भागू मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा वो भी सिर्फ इतनी छोटी सी बात तो वो हार नहीं मानेंगे उन्होंने कर लिया कि वो फाइट बैक करेंगे। और जब आ, अपने दिमाग में उनका प्लान रेडी था कि कैसे वो अपनी कमजोरी से ऊपर उठ के आएंगे फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि वेर लैंग्वेजेस से स्टडी करने वाले लोगों की वो हम सोचते मराठी में है हम मराठी में सोचते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम पहले मराठी से इंग्लिश में अपने दिमाग में ट्रांसलेट करते हैं और इस ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस को किसी तरह ऑकवर्ड वे में हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे अब किसी तरह उन्हें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही है उन्हें अपनी इंग्लिश पे एक्सलेंस अचीव करनी है This urge to excel in anything that you try to do has been with me since the childhood whether I would succeed in this or not I always set my aims high in this case too I wanted to speak excellent Elegant and fluent English. The first thing I did was to start reading English newspapers and English novels. I studied etymology and phonetics and studied the roots of the words and how to pronounce them. I used to stand in front of the mirror and practice speaking, realizing my mistakes and correcting them myself all the time and improvising and improving day by day. राइटर कहते हैं कि किसी भी चीज में एक्सेल करने की किसी भी चीज़ में बेहतर बेहतर से से करने की जो उनकी इच्छा थी ये पहले से थी, ये ये पहले चाइल्डहुड से थी तो हमेशा उन्होंने यही कोशिश की है कि भले वो सक्सेसफुल हो या ना हो लेकिन हमेशा उनका एम या गोल वो हमेशा हाई सेट करते थे हमेशा अपने आप से ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते थे तो इस केस में भी वो उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि उनकी वीकनेस है इंग्लिश के वो इंग्लिश में नॉर्मली बात नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने अपना एम डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें एक्सिलेंट एलिगेंट और फ्लूएंट इंग्लिश बोलना सीखना ही है सबसे पहली चीज उन्होंने की कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और इंग्लिश नॉवेल्स उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमें टिप मिलती है फॉर ऑल दोज पीपल जो कि इंग्लिश से स्ट्रगल uh, कर रहे हैं जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो हमें इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश न्यूज़ और इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना चाहिए उन्होंने एटीमोलॉजी जो भी वर्ड की मीनिंग उनको प्रॉब्लम देती थी उन्हें क्लियर नहीं था तो एटीमोलॉजी से रिफर करते थे बेसिकली एटीमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इस वर्ड का ओरिजिनल वर्ड या रूट वर्ड क्या है इस तरह से वो वर्ड बाय वर्ड अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे थे उन्होंने सीखा कि पर, पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है उसका करेक्ट साउंड क्या होना चाहिए वो आईने के सामने खड़े रह के बहुत घंटों तक प्रैक्टिस करते रहते अपनी मिस्टेक को खुद समझते रियलाइज करते उसे करेक्ट करते और इस तरह से वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे थे अपनी इंग्लिश को इम्प्रोवाइज कर रहे थे लर्नर्स हमें कितना बड़ा लेसन मिलता है इनसे क्योंकि हम उन्हीं की कहानी पढ़ रहे हैं जिनका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इतनी ब्यूटिफुल इंग्लिश में So, we will stop uh, the video here, the lesson here, and we will continue the lesson in the next video. For this video, give a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel. Thank you very much.